हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आर के द वंडर किचन पर। आज हम बनाएंगे अंडा ऑमलेट करी। फ्रेंड्स, अंडा करी की सब्ज़ी तो आपने खूब खाई होगी, आज मैं आपको अंडा ऑमलेट करी बनाना सिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं अंडा ऑमलेट करी को बनाना। सिर्फ दो अंडे से बनाएंगे अंडा ऑमलेट करी। अंडा ऑमलेट करी बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज के दो आलू लिए हैं। अच्छे से छील के धो के मैंने टुकड़ों में काट लिया है आलू को। और ऑमलेट बनाने के लिए मैंने बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ये मैंने दो हरी मिर्च बारीक काट ली हैं। अब एक बाउल में अंडे डाल देंगे फोड़ के दोनों। ये मैंने बाउल में अंडे डाल दिए हैं। अब इसमें ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे और इसमें ये प्याज भी बारीक कटी हुई और इसमें थोड़ा सा अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अंडे के मैटर को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। अंडा ऑमलेट करी बनाने के लिए मसाला तैयार करेंगे। मैंने थोड़ी सी अदरक, इसमें 3-4 लहसुन की कलियाँ, मोटी कटी हुई प्याज, थोड़ा सा जीरा, हरी इलायची, लौंग, सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। मिक्सी के जार में मैंने मसाले को पीस के तैयार कर लिया है। ये मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच धनिया, 2 चुटकी हल्दी और इसमें थोड़े से मेथी दाने और ये मैंने नमक लिया है। नमक अपने स्वाद अनुसार रख लें। तवे को मीडियम आंच पर रख के अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों के तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें अंडे का तैयार किया हुआ मैटर डाल देंगे और एक साइड से अच्छे से सिकने देंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑमलेट की अब दूसरी साइड पलट देंगे। एक साइड से अच्छे से ऑमलेट सिक के तैयार हो गया है। ये देखिए कितने बढ़िया से एक साइड से सिक गया है। अब इसकी दूसरी साइड भी इसी तरीके से सेक लेंगे मीडियम आंच पे। ऑमलेट दोनों साइड से सिक के अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसे फोल्ड कर देंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। कटे हुए ऑमलेट को प्लेट में निकाल लेंगे। पैन को मैंने अच्छे से मीडियम आंच पे गरम कर लिया है। अब इसमें ये थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें ये मेथी के दाने डाल देंगे। मेथी के दाने को अच्छे से सुनहरा कर लेंगे गर्म तेल में। मेथी के दाने अच्छे से सुनहरे हो गए हैं। अब इसमें मसाला डाल देंगे। मसाले में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जिससे कि मसाला अच्छे से भुन जाए। अब इसमें सूखी लाल मिर्च डालेंगे पिसी हुई और इसमें ये धनिया पाउडर और ये हल्दी भी साथ में डाल देंगे और इसमें ये नमक भी डाल देंगे। मसाले में डाल देंगे आलू। आलू डालने के बाद आलू को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब आलू को ढक के रख देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे। अब इसमें ये कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए टमाटर और आलू को मसाले में अच्छे से चलाते रहेंगे मीडियम आंच पे और 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे और अच्छे से मसाले को चलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले में कितना अच्छा कलर आ गया है और ये आलू भी गल गए हैं। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें ऑमलेट डाल देंगे। ऑमलेट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। अब इसमें 1/2 गिलास पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको ऑमलेट करी किस तरीके से रखनी है, पतली या गाढ़ी, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 2 मिनट के लिए ढक्कन को ढक देंगे। 2 मिनट के बाद ऑमलेट करी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद हरे धनिया को बारीक काट लेंगे। बारीक काटने के बाद ऑमलेट करी के ऊपर अच्छे से हरा धनिया लगा देंगे।
ऑमलेट करी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, ऑमलेट करी को आप रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी ऑमलेट करी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ऑमलेट करी कैसी लगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।